अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं आसिफ अपटेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेसबुक हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ कर रहा है और हमें पता भी नहीं है। हम जो हमने बस ऐसी धड़ाधड़ परमिशन दी होती है फेसबुक को, और बाद में जो हमें प्रॉब्लम होती है तब हम कहते हैं पता नहीं यार ये कैसे प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि फेसबुक हमारे साथ क्या ऐसा बड़ा हाथ कर रहा है कि हमारी हर चीज़ को ट्रैक कर रहा है, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, चाहे आप फेसबुक बस आपने इंस्टॉल करके छोड़ा हुआ है, तो वो तमाम की तमाम आपकी एक्टिविटी जो है वो ट्रैक कर रहा है। चाहे वो आपकी बैंकिंग की डिटेल हो, चाहे वो आपकी बैंकिंग की एप्लीकेशन हो, आप ऑन करते हैं, आप उसको जो है देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, तमाम एप्लीकेशन का डाटा वो कलेक्ट करता है। चाहे आपने फेसबुक ऑन की हुई है, चाहे आपने फेसबुक ऑफ की हुई है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपने बस फेसबुक इंस्टॉल किया, यूज़ नहीं करते, तो आपकी तमाम की तमाम जो है एक्टिविटी वो जो है वो अपने पास ट्रैक कर रहा है और आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है। डाटा कलेक्ट करने की बात आती है तो हम पहले कहते थे कि हम फेसबुक जो है हम व्हाट्सएप की बात आई थी तो हमने कहा था कि हम प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से हम छोड़ देंगे व्हाट्सएप को। तो जो हमारे साथ हाथ हो रहा है उसको उसका हमें पता ही नहीं है, हम उसको छोड़ रहे हैं। और मैं आप लोग को बताऊँगा किस तरह से आप जो है, और आप लोग को दिखाता भी हूँ कि कितना बड़ा हाथ कर रहा है। आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार हमें पता भी नहीं है और हमारा डाटा फेसबुक जो है वो कलेक्ट कर रहा है और दूसरी कंपनियों को जो है बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आपने सेटिंग करनी है अपने मोबाइल के अंदर, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। चाहे आपके मोबाइल की ऐप आप यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, बस आपने फेसबुक इंस्टॉल किया हुआ है तो आपकी ऑफ जो है ऑफलाइन एक्टिविटी भी वो आपकी रिकॉर्ड करता है। आप चाहे ऑफलाइन है फेसबुक के ऊपर, चाहे आप ऑनलाइन है, तमाम की तमाम एक्टिविटी जो है वो आपकी रिकॉर्ड करता रहता है और जो है आपको देखता रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने एक छोटी सेटिंग करनी है और आप जो है अपना डाटा चोरी होने से बच सकते हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, देख लेते हैं किस तरह से आपने ये करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फेसबुक ऑन करता हूँ। यहाँ पर आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरी पिक्चर लगी हुई नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जब सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है नीचे आ जाएंगे। इस तरह से आपने इसको स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी, आपके मोबाइल की तमाम एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल रही हैं। और यहाँ पर ये आपकी तमाम की तमाम एप्लीकेशनों की एक्टिविटी यहाँ पर जो है रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है ऐड वगैरह दिखाए। आप किसी भी चीज़ को दिमाग में सोचते हैं या बोलते हैं और अगले दिन जो है आप सर्च करते हैं तो अगले दिन आपके सामने उसी तरह का ऐड नज़र आता है। तो भाई लोग, ये इस तरह से एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड करते हैं और उस हिसाब से फिर आपको जो है ऐड दिखाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये लगी है कि यहाँ पर आपके बैंकिंग की भी एक्टिविटी यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें UBL की यहाँ पर मेरी एक्टिविटी देख रहे हैं, उसके अलावा आपकी बहुत सारी जैज़ कैश, इजी पैसा, जो भी आपकी यहाँ पर आप यूज़ करते हैं फेसबुक को ऑफ करके फिर भी आपकी ये एक्टिविटी को यहाँ पर ट्रैक करते हैं और आपको उसके हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ऐड दिखाते हैं। यहाँ पर तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पर हमारे जो बैंकिंग की डिटेल ये ले रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूंगा कि भाई लोग, इससे पहले कि कोई ना कोई आपका सिस्टम खुल जाए ऐसा कि आपके डॉलर वगैरह हो जाएं चोरी, आपके पैसे हो जाएं चोरी, उससे बेहतर है कि आप जो है फेसबुक की एक्टिविटी को ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के लिए आपने यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ ये कह रहा है कि आप अपने होशोवास में है कि आप ये क्लियर करना चाह रहे हैं। तो भाई लोग बिल्कुल, हम यहाँ पर इसको क्लियर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको क्लियर कर देंगे। भाई लोग, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी जो है एक्टिविटी फेसबुक ट्रैक करे। हम फेसबुक यूज़ नहीं कर रहे फिर भी जो है फेसबुक हमारी जो है एक्टिविटी वो ट्रैक कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग बात है। हम पहले तो ये बात कर रहे थे कि हम जो है व्हाट्सएप के अंदर हमारी अगर प्राइवेसी की प्रॉब्लम होती है तो हम व्हाट्सएप छोड़ देंगे, तो भाई लोग यहाँ पर तो फेसबुक ने सारा काम ही उल्टा कर दिया है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।